मेरा फोन है, बहुत मारे आप तो बात कर दूर का बात कर हाँ सना लाजियो कोई बात नहीं, कोई नहीं आने लग रहा तेरी मेरे नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड डायरेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे हैं धरने पर। क्या कुछ पूरा मामला है, रोजाना आए गए यहां पर झगड़े होते रहते हैं और उन झगड़ों के बाद किस तरह से जो सिक्योरिटी गार्ड है, महिला सिक्योरिटी गार्ड है, उनके साथ बदतमीजी होती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती और हर महिला से उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। ये आरोप फिलहाल जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो महिला सिक्योरिटी गार्ड है, वो यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में। आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड है वो धरने पर बैठे और बता रहे हैं कि अब हम ड्यूटी नहीं करेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो पाएगी। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो यहाँ पर बैठे, उनसे एक बार जान लेते हैं बहन जी क्यों यहाँ पर बैठे हैं आप, आपकी ड्यूटी है सुरक्षा करना, आप खुद सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सर रात ना हमारे सारे गार्ड भीड़ दिए और हमारा सीनियर नोडल ऑफिसर जो सीएमओ है उनको भी रात कुछ बदमाश आए और पीट के चले गए। हमारे ऑर्डर मिला हुआ सर ऊपर से डायरेक्टर ऑफिस के, यहाँ से जो हमारा जो गेट है ना 9 बजे के बाद बंद हो जाता है सर, तो दो बाइक वाले आते हैं वो एंट्री करके हमारा वो बैरिकेड जो है वो तोड़ के निकल जाते हैं सर। हमारे गार्ड बोले भाई तुम यहाँ से क्यों आए, जब भी यहाँ पे बंद हो रहा है ये, बोले हम तो ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही यहीं से जाएंगे और यहीं से आएंगे यहाँ, तो वो बोल बाल के आगे जी वहाँ इमरजेंसी में फिर इनके साथ झगड़ा। हमारे सीएमओ सर को भी पिटा, हमारे सारे गार्डों को भी पिटा, हमारे इस वर्ष सर सुपरवाइजर उसकी बाजू तोड़ रखी है, हमारी लेडीजों को भी पिटा सर। मेरी हाँ जी मेरे साथ हुई 5 तारीख इवनिंग ड्यूटी में सर 3:15 पे एक लड़का आता है, मेरी लेबर रूम में ड्यूटी थी सर और जबकि एलआर में जेंट्स अलाउड नहीं है सर, वो आया मैं ड्यूटी पे बैठी थी ऐसे करके सर और मेरा फोन ऐसे था जी, वो मेरा हाथ में छोड़ के फोन कोस के भाग गया सर। वो मैंने कंप्लेंट कराई तुरंत SHO की नॉलेज में है सर, ये डिविजन SHO सर है ना सिटी थाने के, उनकी नॉलेज में है सर। मेरा पर्चा वो था सुनीत SI पे, तो वो पता हाँ जी सिविल लाइन थाना। मैडम कहती है भाई मुझे ये बताओ तेरे को टच कहाँ कहाँ से किया, कहाँ से तेरे को, मैंने SHO सर ने मेरे को आश्वासन दिया था भाई आप मेरा ये फुटेज दिखा दो आपका पर्चा दर्ज हो जाएगा सर। कल मैंने फुटेज भी दिखा दी, सारा कुछ भी दिखा दिया, लेकिन अभी तक मेरा कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ, कोई मेरी सुनाई नहीं हुई है सर, आज अभी तक कोई भी कुछ नहीं। अभी अगले दिन फिर सर ये रात ये हो गया सर माया देवी। क्या टाइमिंग होता है ड्यूटी? इवनिंग ड्यूटी में सर हमारा होता है 1:30 से मतलब सर 9 बजे तक। कोई कार्रवाई नहीं सर, बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं होती। पुलिस रिश्वत खोर है, रिश्वत लेके दूसरी पार्टी का ही साथ देती है लेकिन कंप्लेंटर का साथ नहीं देती है। नहीं कोई बेटी बचाओ कोई कुछ नहीं है जी, बेटियों के लिए तो कुछ है ही नहीं, सरकार तो झूठे दावे करती है सर, यहाँ पे कुछ नहीं है बेटियों के लिए। बेटियां तो आए दिन पिट रही है, आए दिन छेड़छाड़ हो रही है, आए दिन मर रही है, कोई सुनाई नहीं होती है सर हमारी तो। क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो यहाँ पर मौजूद है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के और फिलहाल ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। ये तमाम वो सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनकी ड्यूटी है सुरक्षा की, सुरक्षा उपलब्ध करवाने की उन मरीजों को। भैया क्यों आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या मामला है? रात नाइट ड्यूटी चल रही थी, हमारे डॉक्टर नेपाल जो हमारा CMO इंचार्ज है उनके साथ बाहर के लोगों ने आके मारपीट करी, झगड़ा किया और हमारे सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर की बाजू भी तोड़ दी। बाहर के लोग शराब पी के आए थे, ड्रिंक करके आए थे, ये NDRA गेट है यहाँ से जबरदस्ती एंट्री कर रहे थे, वहाँ पे गाड़ी क्लोज किया उन्होंने आके, हमने रोकने की कोशिश करी, फिर इमरजेंसी में आके उन्होंने हमारे CMO के साथ मारपीट करी और सुपरवाइजर की बाजू तोड़ दी। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस वाले के साथ PCR आई हुई थी, 112 आई हुई थी, पुलिस वाले पास खड़े हुए देखते रहे, पुलिस वाले ने छुटवाया भी नहीं हमारे CMO को, डॉक्टर नेपाल को। क्या नाम है आपका? गौरव जी। अभी फिलहाल हड़ताल पे बैठे हैं? हाँ जी अभी फिलहाल हम धरने बैठे हैं जी, जब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। धरने पर जो तमाम सिक्योरिटी गार्ड हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हैं और सबसे जो गंभीर आरोप है वो यहाँ पर जो महिला सुरक्षा कर्मी है वो लगाती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि जब भी हमारे साथ कोई भी गलत हरकत होती है तो पुलिस कम से कम कोई कार्रवाई नहीं करती। बहन जी डायरेक्टर हैं आपके, यहाँ पे कोई सुनवाई होती है आपकी, क्यों धरने पर क्यों बैठना पड़ता है?
अभी तो हम डायरेक्टर के पास, ये जो नए डायरेक्टर आए हैं इनके पास हमारा पहली बार आना है, ठीक है जी। अगर देखते हैं अभी क्या फैसला लेंगे, पहले होती थी तो उस टाइम दूसरे डायरेक्टर थे, ठीक है जी। अभी पहला चांस है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या मांग है? हमारी मांग यही है जी कि हमारे साथ इंसाफ हो, बस यही मांग। डायल 112 आई थी, कह रहे उनके सामने भी पीटते रहे, आवे खड़े हुए देखते रहे, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, वे खड़े होके तमाशा देखते रहे, भी अपनी अपनी अपना MLR कटाओ, अपना कंप्लेंट करो, उनका ये कहना था। इमरजेंसी के अंदर आके पीट के गए हैं। क्या नाम है? झगड़े पा। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा आशा रानी। आशा रानी है और कह रहे हैं कि लगातार हम अपनी जो मांग है उसको जरूर उठा रहे हैं, लेकिन किसी तरह की जो कार्रवाई है वो हमारी शिकायत पर नहीं होती। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर ऑफिस के सामने जो तमाम सिक्योरिटी गार्ड हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं, वो भी धरने पर, इसलिए क्योंकि कल रात को लगभग 11:30 बजे जो CMO हैं डॉक्टर नेपाल सिंह, उनके साथ कुछ लोग मारपिटाई करते हैं। उस मारपिटाई करने के बाद जो पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई, इनका आरोप है कि नहीं की जाती, जिसके बाद अब ये तमाम लोग जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। डॉक्टर नेपाल सिंह हैं वो भी फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट बताए जा रहे हैं, उनको भी कुछ चोटें लगी हैं। दूसरा पक्ष इसमें क्या कुछ कहता है वो भी लगातार हमसे संपर्क में है कि हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए, हम भी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, कैसे ये लड़ाई झगड़ा बढ़ा, क्यों इन लोगों को धरने पर बैठना पड़ा और डॉक्टर नेपाल सिंह जिनके ऊपर हमला किया गया उन वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।